असम की मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर झारखंड की जनता को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी राज्य की सीमा सील कर झारखंड की जनता को सबक सिखा रही हैं और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री मौन हैं क्योंकि उनके लिए राजनीतिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीएम शर्मा ने कहा कि ममता सरकार की विफलता की वजह से बंगाल के लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, लेकिन ममता दीदी अपनी नाराजगी अपने अफसरों पर नहीं बल्कि झारखंड की जनता पर निकाल रही हैं। वो राज्य की सीमा सील कर झारखंड की जनता को सबक सिखा रही हैं और प्रदेश की सरकार मौन है। बंगाल के डेबूडीह चेकपोस्ट पर झारखंड की ओर से भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा है। झारखंड में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के सह प्रभारी हैं। वो बीजेपी की प्रवर्तन रैली में भाग लेने के लिए झारखंड में आए हुए हैं, जिसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहिबगंज में करेंगे। शर्मा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में ममता बनर्जी सरकार पर झारखंड की ओर से जाने वाली गाड़ियों को रोककर जनता को अपमान करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह विषय किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है, ये झारखंड की जनता के सम्मान की बात है, लेकिन जेएएम चुप्पी इसलिए साधी है क्योंकि उनके लिए राजनीतिक का कर्तव्य राज्य के कर्तव्य से ज़्यादा बड़ा है। झारखंड की जनता को सोचना चाहिए कि जो पार्टी अपने राज्य की गरिमा की रक्षा नहीं कर पा रही है, क्या ऐसी पार्टी को आपको फिर से मौका देना चाहिए। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि राज्य दामोदर घाटी निगम के साथ सभी संबंध तोड़ देगा, क्योंकि उसने एक तरफा पानी छोड़ा जिसके कारण दक्षिण बंगाल के जिलों में बाढ़ आई। उन्होंने दावा किया कि डीवीसी के स्वामित्व और रखरखाव वाले मैथन वाले पंचायत बांधु की संयुक्त प्रणाली से अनियोजित और एक तरफा तरीके से भारी मात्रा में पानी छोड़ने की वजह से व्यापक तबाही हुई है। इस बीच अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर ट्रकों की आवाजाही गुरुवार शाम से पूरी तरह ठप हो गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड बंगाल सीमा पर डेब्यूडी चेक पोस्ट पर झारखंड की ओर से भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा के अनुसार बंगाल पुलिस ने चेक पोस्ट पर वाहनों को रोक दिया है।